वेलकम माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो अपने जो भी कुछ ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना अगर एग्जाम में जाओ उससे पहले। देखो क्वेश्चन लिखा है, इफ अल्फा एंड बीटाज बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास अल्फा और बीटा जीरो है तो हमारे पास पॉलिनोमियल सच डेट। हमारे पास इस बार देखो ना तो अल्फा की वैल्यू गिवन है ना बीटा की वैल्यू, हमारे पास इनका सम और सब्ट्रैक्शन दे दिया। देखो कैसे, अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास 8 एंड अल्फा माइनस में बीटा कितना हमारे पास 2। हमें फाइंड करना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा बीटा। लेकिन उसके लिए हमें अल्फा और बीटा की पहले वैल्यू चाहिए, उसके बाद अपने वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। देखो इस बार हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है अल्फा प्लस बीटा, कितना गिवन है अल्फा प्लस बीटा 8 और अल्फा माइनस में बीटा कितना लिखा है 2। तो देखो आपने इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, यहाँ प्लस में बीटा या माइनस का बीटा कट हो जाएगा, इधर यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास 2 अल्फा इक्वल टू में 10। जब भी इक्वेशन आ जाए अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी ए माइनस में बी, तो हमें डेटा को कैसे सॉल्व करना है। देखो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, चलो ये तो यहाँ प्लस माइनस डिफरेंट साइन था तब यहाँ कट हो गया। अगर बाई चांस मान लो दोनों साइन सेम आ जाए तो हमें उसको कट करने के लिए हमें तीनों के साइन या सबके साइन क्या करने होंगे, चेंज करने होंगे, जिससे कि एक प्लस का रह जाए दूसरा माइनस का आ जाए। यहाँ पहले से हमारे पास एक प्लस माइनस था तो हमने इसको सीधा कट कर दिया, कितना आया 2 अल्फा इक्वल टू में 10। अब देखो 2 अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/2। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई देखो 5, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 5। अब देखो बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है, आप चाहे दोनों में से किसी में पुट करके बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे, अल्फा प्लस बीटा कितना लिखा हमारे पास इधर 8, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा 8, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितना आई है 5, तो 5 प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा 8, बीटा इक्वल टू 8, यहाँ प्लस में 5 है उधर जाएगा तो माइनस 8 माइनस 5, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 और अल्फा की वैल्यू कितनी है 5। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, ये डेटा हमने एज इट इज लिखा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 5, बीटा कितना है 3, मल्टीप्लाई एक्स प्लस कितना हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 5 मल्टीप्लाई 3। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 कितना हुआ 8x प्लस 15, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिखा था कि हमारे पास गिवन था अल्फा बीटा जीरो थे, हमारे पास लिखा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2। हमें फाइंड करना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा इनको सोल्व किया। यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड दोनों में से आप जिसमें जाओ उसमें रख सकते हो, सेम आएगा आंसर। यहाँ हमने अल्फा की वैल्यू 5 रखा, बीटा की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई 3। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना हमारे पास 5, बीटा कितना हमारे पास 3, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8x प्लस 5 3 15। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।